नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। अबू धाबी T20 सीरीज के मुकाबले में एक ही ओवर में 35 रन बने। जी हां, आपने सही सुना, एक ओवर में 35 रन। इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में 2 चौके और 4 छक्के जड़ दिए। अबू धाबी की पारी के 9वें ओवर में उन्होंने ये कारनामा किया। इस ओवर में बने 35 रन में से 32 रन लियाम के बल्ले से निकले थे। वहीं 3 रन गेंदबाज ने तोहफे के तौर पर वाइड गेंदबाजी कर सामने वाली टीम को दिए। लियाम ने पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। वहीं उसके बाद खेली गई अगली 4 गेंदों पर लियाम लिविंगस्टन ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। शनिवार को ये मुकाबला अबू धाबी और वॉजर्स के बीच खेला गया। टीम अबू धाबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 135 रन बनाए। लिविंगस्टन ने तेज गेंदों पर नाबाद 68 रन की पारी खेली। इसके जवाब में वॉरियर्स की टीम 111 रन ही बना सकी और 21 रन से मैच हार गई। T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका मैच में लियाम ने T20 वर्ल्ड कप का सबसे लंबा छक्का भी लगाया था। उन्होंने ये छक्का उस मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कगिसो रबाडा की गेंद पर मारा था। इंग्लैंड की पारी के 16वें ओवर में रबाडा की पहली गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर एक लंबा छक्का लगाया था, जो छक्का सीधा स्टेडियम के बाहर गया था। ये सिक्स 112 मीटर लंबा था। उन्होंने इसके बाद रबाडा की दूसरी और तीसरी गेंद पर भी छक्का जड़ा था। वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से भी कमाल दिखाया था। हालांकि उनकी टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।